हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं, बताने ही नहीं जा रहा, ये ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो अगर आप लोग जान जाए तो मुझे लगता है कि आज के बाद से इस तरह की जो घटनाएं सोशल मीडिया पे वायरल होती है और चीज़ें जिसमें लड़के की करियर ख़राब हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें, उन सब को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे और एट इंस्टेंट उसका किस तरीके से, किस हद तक उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, चाहे उसके हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो लड़की के अगर कोई ये करती है। मैं आपको पूरा कानून ही बताने वाला हूँ। उससे पहले आज मैं सिर्फ चार शॉर्ट केसेस बताऊंगा कि किस तरीके से इन चार केसेस में जो लड़कियों ने हरकतें की थी लड़कों के साथ, लड़कों की तो करियर खराब हो गया, लेकिन आज उस केस का क्या स्टेटस है और क्या है चीज़ वो। उससे पहले बात करना चाहूँगा एक नया एक शब्द आजकल जो गूंजता है, वुमेन एम्पावरमेंट और फेक फेमिनिज्म का। तो नारी सशक्तिकरण क्या होती है? नारी वो होती है जिसको पहले के ज़माने में बहुत कमज़ोर माना जाता था, दबा माना जाता था कि घर में रहना है, पर्दे में रहना है, यही काम करना है। तो उन सबको इवॉल्व करने के लिए लॉ ने, अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए ऐसे लॉ बनाए और उनको शक्ति दी। तो ये 1860 में जब आईपीसी बनी थी, उस जमाने में सोचो आपकी क्या 150 साल के आसपास के साल पहले क्या होता होगा, किस तरीके से लड़कियां, औरतें ये सब का कंडक्ट होता होगा। पूरे पर्दे में रहती थी, साड़ियों में रहती थी, घर के काम करती थी और यही सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होता था, इसलिए इनको इतने राइट्स दिए गए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये लड़कियां, सबसे पहले बात तो फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि ना मैं इस जाति को लड़की कहूँगा और ऐसे कुछ लड़के भी जो करते हैं ना, उसको मैं लड़का कहूँगा। लड़का लड़की ये दो स्पेसिस हो गए, इनको मैं साइड में रखता हूँ। ये इनको अच्छे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तीसरी होती है गे भी अच्छे होते हैं। एक चौथी प्रजाति जो कहीं भी लॉ में एग्जिस्ट नहीं है, ना किताबों में है, वो ये लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो या तो लड़की है लड़कों के साथ करती है, और लड़का है और लड़की के साथ करती है। लड़का लड़की टर्म हटा दो, ये चौथे स्पेसिस में ले आओ। तो उस चौथे स्पेसिस के ये लोग, जिसको एक तरह से मैं कहूंगा कि कीड़े मकोड़े, उनसे भी नीचे, उन लोगों की कहानी बताने जा रहा हूं और उन लोगों से बचने के कानूनी उपाय आपके पास क्या है। एट इंस्टेंट, कोई भी इंतजार नहीं करना है, वहीं पे हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ परमिट करता है, लॉ में कहीं ये नहीं कहता है कि कोई लड़की है और कोई लड़का है। सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी का कहता है ही मे इंक्लूड सी, ही का मतलब सी है, बराबर है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ये जो अभी लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, जिसमें मैंने देखा पूरी वीडियो स्टार्टिंग से सीसीटीवी की जो वीडियो आई है, वो ये कि एक लड़की, फिर मैं लड़की बोल रहा हूँ लेकिन आपको लड़की का मतलब चौथी कैटेगरी समझना है, चौथी स्पेसिस जो एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। जब रेड लाइट हो चुकी होती है, सारी गाड़ियां क्रॉस रुकी होती है, उसके बाद जब ग्रीन होती है तुरंत सारी गाड़ियां जा रही होती है, उसी समय में एक आती है लड़की, उसके पीछे छोटी बदमाशों जैसे, और वो आराम से निकल सकती थी रोड पे, बट जैसे ही वो देखती है कि कार आ रही है सामने, उसके बीच में डिस्टेंस कम से कम 20 मीटर का होगा कार और इसके बीच में, उसी समय ये, फिर ये 20 मीटर का डिस्टेंस था, फिर बावजूद वो उसी रोड पे खड़ी हो गई जानबूझ के कि ये कार रुकेगी मेरे सामने, और उसका इंटेंशन था कि आज तो ये फेमस होकर रहेगी लड़की। उसने क्या किया, तुरंत गई कैब से निकाला उसको और बिना सुने कुछ मारपीट करना चालू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से। इस तरीके से उछल उछल कर मार रही थी, जैसे मान लो कि गधे गधे होते हैं ना, गधे ढिचू ढिचू करके उस तरह से उछल रही थी, मुझे तो लगता है गधे की प्रजाति थी वो, ऑब्वियस बात है। तो उसके बाद कहती है आकर के कि मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था। तो लॉ बताता हूँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और कब स्टार्ट होता है और कब तक आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। आईपीसी में सेक्शन जो है 101 है। आज सिर्फ एक ही सेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि ये जो घटनाएं होती है, इस तरीके की घटनाएं ज्यादा होती है जहां पे आपके साथ असॉल्ट करते हैं लड़कियां, मारपीट करते हैं, फोर्स करती है, गाली गलौज करती है, ये सारे, इन सब से बचने का जो तरीका है वो 101 में है, ठीक है, आईपीसी के।
सेक्शन 101 आईपीसी में कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ना वहां मेल की बात हुई है ना फीमेल की बात हुई है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे कोई हार्ट पहुंचाने के, चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कोई एक्शन करता है, कोई भी एक्शन करता है, मुक्का दिखाना चाहे कुछ भी करना स्टार्टिंग, अब उसको लग रहा है कि वो मुक्का मार देगा, अब उसको लग रहा है कि थप्पड़ पड़ जाएगा, अब उसको लग रहा है कि चाकू लिया है अब मार देगा, अब उसको लग रहा है, मतलब जैसे ही डर अराइज होता है, एप्रिहेंशन जैसे ही स्टार्ट होता है, 101 कहता है आईपीसी का, उस समय से आपका टाइम स्टार्ट होता है बचाव करने का। और वो जब तक रहता है जब तक आपको ये डर है कि आपके साथ वो कंटिन्यू घटना कर सकती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एक तो ये जानबूझ के खड़ी हुई, कैब 20 मीटर दूर थी, कैब वाले ने तो रोक लिया, वरना इसको तो उड़ा के चला जाता, बहुत अच्छी बात होती, बेलेबल ऑफेंस था, बेल पे तो मिल ही जाती ड्राइवर को, कम से कम इस तरह से एक चौथी पर जाती खत्म होती हिंदुस्तान से, ज्यादा बेटर था वो। तो क्या हुआ कि उसने जब सारा चीज सेटल हो गया, गाड़ी रोक दी, उसके बाद आकर के दरवाजा खोल के मार दी। अब बताओ कि उस समय कौन सा उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उसको कौन सा अप्रिहेंशन था, जब गाड़ी रुक गई है, गाड़ी रुकने के बाद उसको कौन सा डर था कि वो ड्राइवर उसको हमला कर सकता था या करने वाला था। हमने तो नहीं देखा पूरी वीडियो में, पूरी वीडियो में तो ये नजर आ रही है कि उस लड़की ने उछल उछल के थप्पड़ ही थप्पड़ मारे उसमें, लड़की का मतलब चौथी प्रजाति। इससे पहले की बात बताता हूं, जो कुछ महीनों पहले हुआ था जोमैटो वाला केस बैंगलोर में, सेम जोमैटो बॉय था, पिज्जा डिलीवरी देने गया था, लड़की ने वही हरकत करी फेमस होने के लिए। आजकल एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड ये चल रहा है कि किसी लड़की को फेमस, हाईलाइट, पब्लिसिटी गेन करनी हो तो इस तरीके की हरकत कर दो। मैं चार केस जो आज बताने वाला हूँ, उन चारों केसेस में एक सिमिलर बात यह है कि हर एक केसेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हुए, रोड पे हुए, रोड पे चारों के चारों केसेस रोड पे हुए, और वो भी व्हीकल में, गाड़ी से रिलेटेड, चाहे बस में, चाहे सड़क पे कार में, चाहे मोटरसाइकिल में, ऐसे ही सिचुएशंस में। तो जो जोमेटो वाला केस था उसमें भी उस लड़की ने उसको उल्टा मारा, गाली गलौज की, बदतमीजी करी, जूते मारे, और उल्टा वीडियो बना के कि मेरे को मारा, नाक अपनी फोड़ के दिखाती है और सोशल मीडिया पे फेमस हो जाती है कि मेरे साथ लड़की का एक कहावत आपने सुनी होगी, एक मूवी में भी है, लेकिन मैं उसको इंटरप्रिटेट करता हूँ, लड़का था इसीलिए जाने दिया, लड़की होती तो जेल में होता। मतलब कहने का कि लड़की के साथ अगर कोई बदतमीजी लड़का करता तो वो जेल में होता, और जो हो भी रहा है, जोमैटो वाले केस में भी वो गया, कंडीशनल बेल पे है। उसके बाद एक हुआ था हरियाणा में, रोहतक में, जहाँ पे एक बस में दो लड़कियों ने बेल्ट से बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे करके तीन चार लड़कों को मारा था, केस जुटा हुआ था, और उस केस में उन लड़कों का करियर खराब हो गया था, और उसके बाद आज पोजीशन ये है कि वो सारे तीनों के तीनों लड़के निर्दोष पाए गए अदालत से, और उन लड़कियों के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है याचिका कि इन लड़कियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये है, वहां से अदालत ने बरी हो गया। उसके बाद 2015 में दिल्ली में ऐसे ही था, रोड पे रेड लाइट हुई थी, लड़की क्रॉस कर रही होती है रोड, सब लोग, सब लड़कियों का फॉर्मूला एक ही है, सड़क पे ही कहीं अपना टांग अड़ाना है, मतलब फेमस होने के लिए अपनी बेइज्जती, अपनी इज्जत गवार निछावर करनी है सड़कों पे। तो क्या होता है, सेम जो भी हुआ, अल्टरकेशन, छोटी मोटी जानबूझ के अल्टरकेशन ऐसा क्रिएट करते हैं, वो अल्टरकेशन क्रिएट हुआ, झूठा केस उस लड़के पे लगा, मॉलेस्टेशन का, 354A का, और भी बहुत सारे का, 354A होता है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, किसी की लड़की की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किसी फोर्स का यूज करना, क्रिमिनल फोर्स का यूज करना, वो होता है 354A। लगा दिए सेक्शन, लड़का तो जेल हो गया, अरेस्ट हो गया, बदनाम हो गया पूरी में, क्योंकि यही तो हिंदुस्तान की खासियत है ना कि आपके ऊपर किसी ने झूठा आपके ऊपर केस लगा दिया लड़की ने, आपकी तो चरित्र पूरे मीडिया में खत्म है, लड़की की वाह वाही, बहादुर बहादुर बेटियां बहादुर, लेकिन अदालत से उल्टा होता है,
सारे लड़के बरी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अपराध किया नहीं होता एक्चुअल में, और लड़कियों की उस समय मीडिया नहीं दिखाती है कि लड़की ने झूठा केस किया था, चुप सब शांत, उनको टीआरपी तो नीचे कोई मतलब गिर जाएगी ना ऐसा सच दिखा देंगे तो। ये था इन चारों केसेस में विटनेसेस, कुछ लोग जो सामने आए थे, जैसे लखनऊ के केस में, जो इसमें दिल्ली का दरिंदा के केस में एक अंकल जी आए थे, उन्होंने सब बताया क्या हुआ था। रोहतक की दो सिस्टर्स का जो केस था बस में, उसमें एक दो तीन आंटियां आई, उन्होंने बताया था क्या था। सभी में एक ही चीज़ बताया कि गलती लड़की की ही थी, उन्होंने गाली, लड़कियां हमेशा गाली शुरू किया, मारपीट शुरू किया और उनको बदनाम किया, और वीडियो भी बनवाते हैं जानबूझ के उसको वायरल करने के लिए, टैग करने के लिए, नाम कमाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें थी।